तो हेलो दोस्तों, स्वागतम, एक बार स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ एक मंदिर के उद्घाटन के जगह पे। आज एक मंदिर का उद्घाटन है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, और जिस तरह से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं और मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है या हो रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए दोस्तों, सामने मंदिर है, बड़ा अच्छा बना हुआ है और ये नया बना हुआ है। भीड़ देखिए कितनी भीड़ है वहाँ, और सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का रास्ता है, और ये नहर देखिए, सिंचाई की नहर, इसी से आगे खेतों में सिंचाई होती है। ये देखिए, और ये सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम चलता हुआ, और ये मंदिर देखिए कितना भव्य और इतना अच्छा। और ये है दोस्तों मंदिर, सामने नाग पड़ी है, टांडा महादेव मंदिर, टांडा सेरा। ये देखिए महादेव का मंदिर है दोस्तों, और ये अभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज पहले दिन पे यहाँ आने का। और देखिए दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, कितना भव्य और दिव्य। ये देखिए टांडा महादेव, ये घंटियाँ वगैरह देखिए सब नहीं है अभी, आज पहला दिन है दोस्तों मंदिर के उद्घाटन का। सज धजी की प्योली से, झट पिंगले प्योले से, सज धजी की प्योले से, झट पिंगले प्योले से, कख जाड़ी छे है विमान, कख जाड़ी छे है विमान, ये बांध कख जाड़ी छे है विमान, कन लो क्यों छे छोर से। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार जगह पे मंदिर है, ये इधर मंदिर है, इधर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। तो दोस्तों इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कॉमेडियन घन्ना भाई घनानंद गगुड़िया जी और उनके पुत्र प्रशांत गगुड़िया जी और श्रीमती संगीता ढौंडियाल जी प्रसिद्ध गायिका और श्री सौरव मठानी जी जो आजकल छाए हुए हैं, उत्तराखंडी गीतों की धूम मचा रहे हैं, इन सब ने अपना परफॉर्मेंस किया। तो आइए देखते हैं। Ah, come on then.
अच्छा एक गीत सुनी तुमने आजकल, मेरी सपना शादी पक्का, ये शादी गाना एक बार, ये शादी नहीं सुना, सुना सपना शादी एक बार मेरे साथ गाना एक लाइन, फिर मैं दूसरा गाना गाऊंगा तब ये गाना गाऊंगा, ये शादी अरे दिल से टूटू न मैं किले होनी। सुनियो छु भाई एक बार गीत। अच्छा एक धीरेन्द्र भाई साहब जी की एक फरमाइश, और मैं तो यही फरमाइश जब उन करी मैं इन लग दू की बहुत पार खींचन संगीत का, और उनमें तो एक गीत में भी हेल्प करी एक नया गायक की, एक बार जोरदार ताली हमारे धीरेन्द्र भाई साहब थे, और उनकी संगीत की ये सूझबूझ है। एक गीत में रह छो नन उपदानो दले घूमे मैता जान जाए, बहुत पुरानो लोकगीत सुनी चिकेन कैन सुनी नन उपदानो दले घूमे, वही गीत मैंने थोड़ा सी नए प्रकार से लिखाया छो, और वही की फरमाइश भाई सावन करी हुए गीत आप कभी तो सुनो छो, और अगर आप में से कोई भी आनंद आज कम भगवान जी के चरणों में छा जो जो आनंद लेना चाहता है वो एक भगवान जी के प्रांगण में क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, बोले डांडा महादेव की नन पधानो दले भूमे में ता जन दे भागी, नन पधानो दले भूमे में ता जन दे भागी, नन पधानो दले भूमे में ता जन दे भागी, तू है मेरी मन की प्यारी शंभू हाथ माटा मरू
हाथ त्रिशूल गला रुंड माला, एक हाथ त्रिशूल गला रुंड माला, ना कवे आछने लाला, ना कवे आछने लाला, ठीके भागे लूम प्याला, ठीके भागे लूम प्याला, अबे मेरा शंभू देवा, मेरा मेरा जनवा देवा, मेरा मेरा शंभू बाबा, अबे मेरा भलवा देवा। आपने कहा मुझे रामलीला का शौक है और सुरपुर खा का पाठ खेलना आपको, रामलीला का शौक आपको है? अरे भाई आपने कहा मुझे सुरपुर खा का पाठ खेलना है। अरे मुझे नहीं, एक खोजने का भाई साहब है कि गांव गांव में रामलीला होनी चाहिए, आज तक कम है जाए तो जो सुरपुर खा का पाठ करने वाले चाहिए वो ज्यादा पेज है। अरे कहाँ गया सुपरनखा वाला, चाहिए कहीं हुकम सिंह जी तुरंत मंच पे आ जाएं, आई नीचे अब वो अनमाल भाई ये जो सुपरनखा था आनू नीचे अब आर वो जो जो दीवान सिंह जी ते पढ़ा दे वो फौजा भी है कुछ इन पे फिट मैं नाच कर सकता हूँ, देख लो कितना मोटा तगड़ा हूँ। अब वो कुल लेकिन वो बिलोज ये ना वो बिलोज बिल्कुल नहीं है, फिर हार लेकिन हुआ एक बड़ो भारी झगड़ो लगी ने और वो झगड़ो जो फिर लगा दिया। अब सुपकन्या का को पाठ अब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भ्राता जी और माता सीता जी बन बन घूमना छे तो सुख लगे नजर पड़ गया रामचंद्र जी पर कि आहा ये बैग में याद भी रहते ठीक है तो सुपने का बन बन घूम देखो रामलीला की नसीब जो है कि बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र जी की, चलो हनुमान जी की। अब बन बन भटकना छिन रामचंद्र जी और माता सीता जी सुनक नजर पड़ेगा कैबर रामचंद्र जी पर अब रामचंद्र जी पर टेंशन सब लगाएंगे। स्वामी जी
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आलात देव छन हमारा हमन की रामलीला मा कभी किस्म से कोई इन पैसा भी दिन गाँव गाँव में रामलीला हूँ नहीं पोत है बताने से कि हमारा रामलीला कल होनी एक सीन बताए मेरे बारी। तो दोस्तों वीडियो में आवाज़ साफ नहीं आ पा रही थी इसलिए मुझे अलग से वॉइस डालनी पड़ी और आप जिस तरह से देख पा रहे हैं वीडियो में इस समय घनानंद जी उनके पुत्र प्रशांत जी और माननीय विधायक श्री दिलीप रावत जी अपने प्रशंसकों से लोगों से मिलते जुलते और बातचीत करते हुए देखे जाते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव सबका। तो हम भी सभी से मिले दोस्तों, फ़ोटो सेशन भी हुआ और सबका बहुत ही अच्छा स्वभाव था। बहुत अच्छे से सब लोग मिले हमसे भी, हमने भी सबसे मिले। और अब आगे चलते हैं फिर कार्यक्रम की ओर और ले चलते हैं आपको आगे। जानू भंग बहे गोटी जानू भंग बहे गोटी जानू भंग बहे
खाना भी खा लिया है भंडारे में और अब चलते हैं घर की तरफ को। और सामने चल रहा है फोटो सेशन, पीछे संगीता ढोंडियाल जी हैं और ये सौरभ मेठाणी जी हैं, संगीता ढोंडियाल जी और सौरभ मेठाणी जी पीछे, उनके हाथ फोटो सेशन हो रहा है। और खाना पीना खा के अब देखो सब टेंट वाले कुर्सियाँ संभाल रहे हैं और अंधेरा हो चुका है, हमें भी थोड़ा सा आसपास जाना है और चलते हैं अब टाइम पे। चलिए तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।